ये देखो दलदल है, पूरा का पूरा दलदल। भाई फंस गया, लटक गया यार दलदल में, पसीना निकल गया यार चलते चलते। और हमने गलती क्या कर दी पता है? ओ इतना गहरा यार, ओ माय गॉड। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एवी अनबॉक्स के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। सुबह हो चुका है और एक दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी हम लोग टेंट में एंड यहाँ भी भैया जी मस्त। हेलो गुड मॉर्निंग। यहाँ कुछ ऐसा सीन है, तो हम लोगों ने बरांडे पे लगाया था टेंट और कुछ ऐसा सीन है टेंट का। तो अभी बज चुके लगभग 8 बज चुके हैं, अभी पैकिंग वैकिंग करेंगे उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे आगे की ओर। यहाँ पर तगड़ी बारिश हो रही है और यहाँ पर लगाया था हमने टेंट इस दुकान के पास में। तो ब्रश करके आ गया मैं और अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पानी गर्म कुछ ऐसे। अभी इसको फिट कर ले, इस कढ़ाई में करेंगे यहाँ पे पानी। यार फिर से वही कांड हो रहा था। अब तो मुझे डर लगने लग गया इससे, कभी घर ना जला लो अपना टेंट ना जला लो कभी। तो पानी गर्म हो रहा है यहाँ पे, मस्त गर्म पानी पियेंगे उसके बाद भाई यहाँ से हम लोग पैकिंग वैकिंग करेंगे। अपने ये सामान वगैरह पूरा पड़ा हुआ है इधर पैक करके, इसको खोलेंगे और निकल जाएंगे यहाँ से। नागालैंड पे पहला लिफ्ट हमें भैया ने दिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रतीक। प्रतीक भैया ने लिफ्ट दिया है एंड भैया राजस्थान से ही है और ये भाई भी राजस्थान से ही है। सो लगभग 1-2 किलोमीटर का होगा ना लिफ्ट? हाँ ये मेरा इधर फैक्ट्री है। ओके ओके, सो यहाँ से लगभग 1 या 2 किलोमीटर का लिफ्ट मिला है हमें एंड नज़ारे काफ़ी मस्त है गाइस। इधर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रहा है, नहीं तो स्विट्जरलैंड भी फेल है नॉर्थ ईस्ट के अंदर में। गवर्नमेंट ध्यान नहीं देता है, नहीं तो आदमी को स्विट्जरलैंड जाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, सही बात भैया। गवर्नमेंट को ये जो भी इधर में टूरिज्म है पब्लिक अपने पैसे से बनाती है तो इतना ज्यादा नहीं होता है। जिस दिन गवर्नमेंट पैसा देने लग गई और टूरिज्म इतना बढ़ जाएगा मत पूछिए। रोड ऐसा ही है ना, पूरा खराब है ना? ये रोड भी पब्लिक ने बनाया है, गवर्नमेंट का एक पैसा का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा। जो आपको आरसी वो रोड भी बनी हुई है वो भी पब्लिक के पैसों से बनी है, गवर्नमेंट का कोई इधर काम ही नहीं है। तो ऐसे ही अभी ये जो आप रास्ते जा रहे हो पूरी टूटी हुई रोड है, बस इसके बाद में तो आपको समझ लीजिए गाड़ी घोड़ा चलना पॉसिबल ही नहीं है, बारिश के अंदर में पॉसिबल ही नहीं है। ये 27 किलोमीटर तक आपको तकलीफ होगा, 27 किलोमीटर के बाद रोड बन, वॉचिंग नहीं 0 पॉइंट है वहाँ से आपको तकलीफ नहीं होगा, 27 किलोमीटर है। ओके, ये आप जंगल शॉर्टकट जाओगे तो मेरे ख्याल से ये आपको 8-9 किलोमीटर के अंदर में हो जाएगा। अच्छा, किसी को भी हाँ नहीं वॉकिंग नहीं 0 पॉइंट। आप 0 पॉइंट जाने के बाद तो आपको गाड़ी मिलेगा पूरा फुल एकदम अच्छा रास्ता है। अच्छा, तो आपका यहीं पे है ना? हाँ यहाँ, तो यहाँ पे भैया ये हमारा क्रशर है। अच्छा, तो यहाँ पे पहुँच गए भैया का यहाँ पे क्रशर है। थैंक यू सो मच। ओके, काफी अच्छा लगा बात करके। स्वागत है आपका नागालैंड के इस वादियों में, काफ़ी मस्त है भाई यहाँ से व्यू। तो अभी फिर देखते हैं, यहाँ पे गाड़ी वाड़ी तो आ नहीं रही एक भी, तो अभी हम लोग अगर गाड़ी आएगी तो लिफ्ट लेंगे एंड देखते हैं क्या होता है। रास्ते का सीन कुछ ऐसा है भाई, कीचड़ और ये एकदम बर्बाद है रास्ता, काफ़ी देर से चल रहे हैं हम लोग। एक गाड़ी का आता पता नहीं, यहाँ पर गाड़ी आती भी है या नहीं आती कुछ आता पता नहीं है। हमें अभी पहुँचना है वॉकिंग। हेलो गुड मॉर्निंग, यहाँ से वॉकिंग कितने दूर होगा? कितना होगा? पैठन जाने? हाँ पैठन जाने से तो 4-6 घंटा। तो गाइस 4 या 6 घंटा लगने वाला है भैया लोग बता रहे हैं। आप लोग आपका नाम क्या है? आप यहीं से? ये इस जगह का नाम क्या है? मल्लय। मल्लय, ओके।
ये और ये नदी है ना, क्या नाम है इसका? दिखू। तो वैसे अभी हम लोग पहुंच गए दिखू नदी के पास। थैंक यू, अच्छा लगा मिलके। ओके, आप लोग ये गांव से है ना? कहाँ जा रहे हैं अभी आप लोग? ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय। तो वैसे अभी दिखू नदी के पास में है एंड काफी मस्त मौसम भी हो रखा है एंड 4 या 6 घंटे लगने वाले बताया यार, मतलब ऐसे चल के वो भी देखते हैं क्या होता है। एंड यहाँ पे दिखू रिजॉर्ट सर्विस कुछ है यहाँ पे, और इधर है भाई नदी, अभी दिखाता हूँ सामने से नदी का व्यू, काफी मस्त लग रहा है। वाओ, और गाइस इन मस्त नज़ारों में हम लोग कर रहे हैं फोटोग्राफी यहाँ पे, काफ़ी बढ़िया यार ये नीचे का जो व्यू है ना। उठा लो उठा लो, वाह। सीन ना मतलब बहुत ही ख़राब है यहाँ पे, ये जो रास्ता है एकदम बर्बाद है, बारिश आने पे यहाँ पे बाइक वाइक पूरा फंस जाता है। हेलो, क्या नाम है आपका? ठीक है ठीक है, आप यहीं से हो ना? ये देखिए गाइस, ये बाइक के पार नहीं हो पा रही है। ओह माय गॉड यार यार, गजब पंगे हो रहे, ये देखो जूते का हाल, पैर पूरा गुजारे अंदर, और बाइक यहाँ पे पार नहीं हो पा रहा है, फंसा हुआ है। ओ इतना गहरा यार, ओ माय गॉड, ओ नो, बहुत गहरा है। जाना तो पड़ेगा ना। यार गाइस सरकार कहाँ पे रास्ता देगी यहाँ पे नागालैंड पे? की मंदी बाबा बोल दिया उनका। आपका नाम क्या है? हमारा नाम अमोंग। आप यहाँ से हो? इधर का है। ओके, आप भी पार करोगे अभी? नहीं करेगा, बहुत गहरा है ना। बहुत गहरा यार, नदी के जैसे एकदम से। आप कहाँ जा रहे हो? मैं नकिनमोड़ा में। नकिनमोड़ा ऐसे चल के आ रहा होता क्या? पहुँचा रहा है। कितने देर होगा यहाँ से? कितने देर होगा आपका? आप कहाँ से आ रहे हो? मैं तिमाऊ से आ रहा हूँ। कितना किलोमीटर? किलोमीटर ये तो मगर नहीं है, दूर है, बहुत दूर है। ऐसे आते हैं नागालैंड में? थैंक यू, अच्छा लगा। लगभग 2 किलोमीटर आगे आ चुके हैं अभी पैदल, एक गाड़ी का पता नहीं गाइस अभी तक, अभी देखते हैं क्या होता है, हाईवे पे कितने देर पे पहुंचते हैं। एंड रास्ता बिल्कुल ऐसा है, स्लिप हो रहा है यार पूरा। और गाइस ये पहाड़ियाँ देखो, चट्टान है पूरा और पानी निकल रहा है यहाँ से, इधर भी नदी है, ये बीच में रास्ते वो भी कच्चे रास्ते, अलग ही लेवल का एडवेंचर है भाई। रोज सुबह उठ जाओ, एक नए जगह पे पहुंच जाओ, और क्या चाहिए। धूप भी आ गया, मौसम भी ठीक हो गया, अब मज़ा आएगा। जब हाईवे पे पहुंच जाएंगे ना तो थोड़ा इजी हो सकता है हमें मौन पहुंचने के लिए, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी वगैरह चलती नहीं है ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है इधर। अरे कमलेश भाई संभल के, कहीं नीचे ना चले जाओ। यहाँ देखो यार, हेलो, कहाँ से आ रहे हैं भैया आप लोग? ओके, बाय बाय। तो आप लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप लोग? नगरीमोड़ा जाना है ना। अच्छा, यहाँ से कितने दूर जाएंगे अभी? अभी चल के ही 40-35 किलोमीटर जाएगा। ओके ओके, बाय 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 बाय। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? निम्फा। यहाँ से बहुत दूर है और 35-40 किलोमीटर बहुत दूर है, काफ़ी एडवेंचर होने वाला है, ऊपर चल के जाना पड़ेगा लग रहा है, क्योंकि एक भी गाड़ी नहीं आ रहा है ऐसे बहुत देर से, अभी लगभग आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया चल रहे हैं लेकिन एक भी गाड़ी अभी तक आया नहीं है। क्या होगा क्या होगा, अपना भारी पड़ा है बैग, और बैग के अंदर भाई बहुत भारी है। रास्ते का कुछ ऐसा सीन, लेकिन धूप आ गया ना बहुत अच्छा लग रहा है, बारिश हो जाता पंगा हो जाता है फिर।
पसीना निकल गया यार चलते चलते। और हमने गलती क्या कर दी पता है, खाने के लिए कुछ भी नहीं लाए और कुछ खा के भी नहीं आए। सो अभी वही खाने का कुछ जुगाड़ कर रहे हैं हम लोग। अभी यहाँ पे केले का एक पत्ता काटेंगे और भाई थोड़ा सा कुछ खाने पीने को बचा खुचा है, देखते हैं अभी अच्छा या ख़राब हो गया है, काफ़ी पुराना रखा था। सो अभी देखते हैं, इस जंगल में खाने को बस यही मिला हमें और कुछ नहीं अपने पास, ये है और थोड़ा डेट से एक बोतल पानी है। कितने देर जिंदा रहते हैं भाई हम लोग देखते हैं अभी। एंड गाइस यहाँ पे देखो यार, ये रिवर है यहाँ पे एक। एंड रास्ते का हाल कुछ ऐसा है, इस तरह पे चट्टान एंड इतना ये है रास्ता एंड इधर एक खाई, नज़र हटी दुर्घटना घटी। ओ भाई साहब, तो अभी हम लोगों को थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि मौसम जो है बदल रहा है यार, बारिश आ सकता है पूरा। देखो बादल लगाए, यही सीन होता है नॉर्थ ईस्ट पे, अरुणाचल प्रदेश हो या नागालैंड हो, अभी धूप है 5-10 मिनट बाद बारिश भी आ सकती है, कोई गारंटी। यहाँ का मौसम गिरगिट की तरह रंग बदल रहेगा यहाँ का मौसम। आप लोग बने रहना बस, हमें लगभग यहाँ से बहुत दूर जाना यार, 30-40 किलोमीटर दूर पहुँचते हैं शायद। एंड यहाँ की नदियाँ देखो गाइस, ऐसा है कुछ गंदा सा पानी है एकदम। तो फिर से हमें यहाँ पे भाई मिल गए हैं, कहीं कहाँ से आ रहे हैं आप लोग, जंगल से? कितना दूर हो गया यहाँ से? तीन 0 पॉइंट तक ये रास्ते से पहुंच जाएंगे ना। ओके बाय बाय। बहुत देर चलने के बाद थोड़े से लोग दिख जाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। एंड पूछ रहे हैं हम लोग उन लोगों से और कितना दूर है करके। और भाई यहाँ पे देखिए सीन कुछ ऐसा है भाई, बहुत खतरनाक, पूरा पहाड़ को काटा जा रहा है, रास्ता वगैरह बन रहा है इधर, काफ़ी मस्त व्यू है यहाँ पे, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। वॉचिंग बाय बाय। तो यार यहाँ पे तो भाई अलग ही लेवल का एडवेंचर है। यहाँ पे देखो यार व्यू, ऐसे जगह पे चल रहे हैं हम लोग, अभी ट्रैकिंग कर रहे हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे ये पूरा काला काला सा है, पता नहीं क्या है, आई थिंक न्यू रोड कटिंग हो रहा है यहाँ पे। एंड भाई चलना मुश्किल है इधर तो। ओ भाई भाई संभल के यार, यार लगेगा यहाँ पे गिरने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। कुछ भी हो जाए भाई रुकने वाले नहीं है, हर तरफ नदी है यार यहाँ पे देखो, यहाँ से भी यहाँ पे भी। चले तो चले कैसे, आज का ये मतलब एडवेंचर हो रहा है, रियल वाला एडवेंचर, पूरा चढ़ के आ गया इधर से, संभल के यार। ओ भाई भाई धाड़ी के नीचे मैं जा रहा भाई उधर से, नजर हटी दुर्घटना घटी, वही सीन एकदम। हाँ एंड गाइस फिर से वही सीन, फिर हमें चढ़ना होगा बहुत ऊंचाइयों पे, ये देखिए बहुत खतरनाक है भाई ये रास्ता, ज़िंदगी में पहली बार आया हो ऐसे ट्रैकिंग करने और भाई रिकॉर्ड नहीं कर पाया, कमलेश भाई गिर गया था यहाँ पे, हाथ दिखा दो भाई। और यार हमारे साथ क्या क्या पंगे हो रहे भाई, फंस के लटक गए यार दलदल में, अरे यार निकल भाई, देखो यार दलदल है पूरा इधर नागालैंड पे। आए थे नागालैंड घूमने लेकिन आके पता चला भाई हम तो कीचड़लैंड में आ गए, कोई गिर रहा है कोई फंस रहा है, और जूते का सीन देखो, जूते का हाल ऐसा कुछ हो गया। और वो भाई इसका देखो मजा आ रहा है ना और गाइस यहाँ पे जितना दिख रहा है ना पूरा का पूरा जैक फ्रूट है, हिंदी में क्या कहते हैं कटहल, कटहल या फिर आप लोग क्या कहते हैं पता नहीं, इंग्लिश में जैक फ्रूट कहते हैं।
पूरा इसका बगान लगा दिया शायद यहाँ पे। बहुत दूर चलने के बाद रास्ता थोड़ा सा अच्छा दिखा है। और एक हमें यहाँ पे पाइप दिखी हुई है, ये देखिए। पाव वाव धुलाएंगे यहाँ पे, पसीना पसीना हो गया चेहरा धुलाएंगे और फिर चलेंगे। बहुत दूर जाना यार, और 10-15 किलोमीटर जाना है हमें। फ्रेश हो गया गाइस, अभी चलते हैं। वो देखो वो बंदा निकल गया। हाँ जी भाई साहब, किधर जा रहे हैं आप? हम जा रहे क्या कहते हैं, हिचिंग वॉकिंग 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 हिचिंग। एंड गाइस वहाँ देखे, वहाँ भी माइनिंग चल रहा है। मतलब इस इलाके में ना बहुत जगहों पे माइनिंग चल रहा है, पता नहीं किस चीज़ का, शायद कोयला वोयला निकलता है यार। एंड व्यू देखो यहाँ का। भाई रेड बटर लेक काफी मस्त है यार। यहाँ पे देखो पानी भी लाल लाल निकल रहा है इस पे। एंड इस व्यू का मजा ले रहे हैं हम लोग, काफी सुंदर व्यू है। एंड पूरा स्टोन वाला यहाँ पे, चट्टान वाला पहाड़ियाँ हैं। आगे कुछ ऐसे रास्ते ट्रैकिंग करते हुए चल रहे हैं और सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। देखिए ओ माय गॉड यार, जान जोखिम पे लेते हुए चल रहे हैं हम दोनों यहाँ पे। पूरा का पूरा काला पत्थर और इसी से लाल लाल पानिया निकल रहे हैं। इधर भी देखिए, यहाँ पे हमने कब्जा जमा लिया गाइस। तो गाइस मैं बहुत देर से सोच रहा था कि यहाँ पे क्या का खुदाई चल रहा है, पूरे पहाड़ों को खोद रखा है। फाइनली पता चल गया, ये देखो कोयला है गाइस यहाँ पे। यहाँ देखिए पूरा का पूरा कोयला है इन पहाड़ों में। एंड कोयला, कोयले का माइनिंग चल रहा है यहाँ पे, कोल माइनिंग। काफ़ी ऊँचाई है। एंड गाइस ये देखो दलदल है, पूरा का पूरा दलदल, पूरा हिल रहा है। घुस गया ये भाई, घुस गया यार। अरे यार आज क्या सीन हो रहा है हमारे साथ, देखो तुम्हारी मदद कर रहा हूं, तुमको रास्ता दिखा। यहाँ देखिए गाइस पूरा हिल रहे, दलदल बड़ा पड़ा है इस कोयले के खान में। ये है पूरा का पूरा कोयला और ये सारा पूरा कोयला का खदान है गाइस, बहुत बड़ा सा। और यार यहाँ पे तो लाल पहाड़ भी है, लाल पहाड़ है, कोयले का खान है, नदियाँ है, दलदल है भाई, और क्या चाहिए, पहाड़ है। ये देखो इतना ऊंचा चढ़ना है अभी, काफ़ी ऊंचाई है यार, बहुत ऊंचा है। और ये देखो लाल, पूरा लाल है यार पत्थर। ओ भाई साहब, हाँ फाइनली उड़ मैं चढ़ गया। देखो गाइस कितना ऊंचा है। और एक रास्ता गया इधर, ये पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। एंड यहाँ से जो है नीचे का पूरा व्यू दिख रहा है जहाँ से हम लोग आए हैं, ये देखिए। भाई जहाँ पे घुस रहे हैं वहाँ पे इसका पेड़ दलदल में जा रहे हैं, किस्मत ही खराब है इसकी। बहुत डेंजरस है यार, हम लोग रास्ता भूल गए अभी यहाँ पे। एंड कहाँ जाना है, बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ पे, यहाँ भी रास्ता है, यहाँ भी रास्ता है। एंड वहाँ ऊपर रास्ता टूटा हुआ भी दिख रहा है, इन उधर भी रास्ते दिख रहे हैं। सो अभी लास्ट ऑप्शन वही है हमारे पास,